The big issue right now coming in is from Bengaluru. This is, remember, the cafe blast investigation that has led to the arrest of two main suspect bombers, one the mastermind and one who has appeared to have planted the IED. Their visuals and images had already been released by the NIA seeking any information. We are told there was one foreign handler who directed the Bengaluru cafe blast. While Musawir and Taha have been arrested, but this could unravel further sleeper cells in the area. We are told the two suspect bombers, Musawir Hussain Shahzeb and Abdul Mateen Taha, arrested in Bengaluru blast case, but were in contact with some foreign handlers. Instructions were being received continuously from this handler. These are the latest prima facie information that we are bringing to you, that there was a terror group in which he had been associated with, and this was also with regard to a previous case of the murder of one Hindu activist leader. I want to immediately bring in Arvind Ojha for the latest on that, who's bringing on this big information. Arvind, ye jo details aa rahi hain, ye kafi hairan kar dene wali hai, kyunki ye ek tarah se ye bhi bata raha hai ki ye sirf Bengaluru cafe blast ka case nahi hai, ye koi bada network aur module hai jo pehle bhi aise incidents mein involved rahe hain. Hame thoda details dijiye, kis basis pe investigation agencies ye keh rahi hain. देखिए, जो आपने कहा कि हैरान करने वाली बात है, बिल्कुल हैरान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों अक्यूज्ड पहले से ही एक टेरर केस में वांटेड है. मुसव्वर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन ताहा, कर्नाटक में 2020 में बेंगलुरु में एक टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था, उस केस में ये दोनों वॉन्टेड थे. 2020 में NIA ने इनके ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन 4 साल बाद 2024 में ये फिर रामेश्वरम कैफे में IED ब्लास्ट करते हैं. उसके बाद जिस तरीके से कर्नाटका से ये एब्सकॉन्डिंग होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, एजेंसी के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है कि एक फॉरेन हैंडलर के कांटेक्ट में थे और वो लगातार इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिसके बाद इन्होंने IED ब्लास्ट किया. चेन्नई में इनको सपोर्ट मिला, वहां पर वो छुपे, उसके बाद वो वेस्ट बंगाल जाते हैं, वहां पर छुपे. तो ऐसे में एजेंसीज का मानना है कि इन दोनों की अरेस्टिंग से न सिर्फ कर्नाटक में बैठे कर्नाटक में पहले जो टेरर स्लीपर मॉड्यूल है उनका खुलासा हो सकता है, बल्कि कई और स्टेट में जो स्लीपर सेल मॉड्यूल है उनका खुलासा हो सकता है. लेकिन जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुसव्वर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा ये फॉरन हैंडलर के कॉन्टेक्ट में थे और एक बड़ी साजिश के तहत रामेश्वरम कैफे में IED ब्लास्ट किया गया था. पूजा, अरविंद, हमें ये भी बताइए इसको किस तरह से आगे देखा जा रहा है, क्योंकि कर्नाटका में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा और नैब किए जाते हैं बंगाल से, और वो भी कोलकाता के पास एक जॉइंट ऑपरेशन में. तो क्या ये भी देखा जा रहा है कि केस सिर्फ इन दोनों के बारे में नहीं है, पर इट कुड बी अ बिगर लॉन्गर मॉड्यूल, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ शिमोगा ISIS मॉड्यूल. तो इसमें जो फॉरेन नेशनल का एंगल आ रहा है, इसमें हमें डिटेल्स दीजिए कि फॉरेन हैंडलर का जो डायरेक्शन है, ये क्यों एजेंसीज इस पे अब थोड़ा और इंटेरोगेशन करेंगी. नहीं देखिए, पहले ही आपको बता दूं, इस मॉड्यूल के दो ऐसे टेररिस्ट हैं जो बेंगलोर के रहने वाले हैं. वो बेंगलोर से दुबई फरार हो गए थे और दुबई के बाद वो एक और दूसरे लोकेशन पे बैठे हुए हैं. वो लोग भी किसी और फॉरेन हैंडलर के कांटेक्ट में, नंबर एक. नंबर दो, अब्दुल मतीन ताहा जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में जिसको अरेस्ट किया गया है, वो उस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था जिसने 2019 में तमिलनाडु में हिंदू लीडर का मर्डर किया था. तो ये जो एजेंसी है वो उनका मानना है कि सिर्फ ये दो लोग नहीं बल्कि एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है जो शायद आने वाले दिनों में और टेरर एक्ट की प्लानिंग कर रहा था. और जिस तरह से ये कर्नाटका में लगातार जो मुसव्वर हुसैन है वो IED ब्लास्ट के बाद अलग अलग CCTV कैमरे में कैद हुआ, उसकी लोकेशन कर्नाटक के अलग अलग इलाके में मिली, चेन्नई में मिली, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मिली, उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है जिसमें कई लोग कनेक्टेड है जो ब्लास्ट के बाद लगातार अक्यूज को सपोर्ट कर रहे थे, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको छुपने में भागने में मदद कर रहे थे. और जिस तरीके से पूरा इस मॉड्यूल ने ब्लास्ट को अंजाम दिया उसके बाद कई लोग टर्निंग इनटू अ वाइडर नेटवर्क, अ स्कैरी सिचुएशन इंडीड, दैट ब्लास्ट इन केरला, नैब्ड व्हाइल दे वर हाइडिंग इन बंगाल, बट देयर कुड बी अ फॉरेन हैंडलर एंगल हियर एज वेल, एंड दैट वाज दिस अ बिगर मॉड्यूल of which a crackdown is now happening in this case. And remember, their images had been released earlier as well. They had already been wanted in another case when the module and the chain network that the cops and the joint operation team had been able to then pinpoint it.